हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फो वेलनेस विद रिचा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइडियल मॉर्निंग रूटीन की कि आपकी एक परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन कैसी होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अगर आप चाहते हैं आपकी मॉर्निंग रूटीन अच्छी हो तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आपको पिछले दिन जल्दी सोना पड़ेगा। दैट मीन्स कि आपकी मॉर्निंग रूटीन की जो तैयारी है वो एक दिन पहले रात को ही शुरू हो जानी चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें जल्दी क्यों उठना चाहिए। जल्दी उठने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपके पास आपके लिए बहुत सारा वक्त होगा। आपका जो सुबह का टाइम है उसमें रश क्रिएट नहीं होगा, आपके पास इतना वक्त होगा कि आप अपनी सारी एक्टिविटीज को ठीक से और आराम से कर सके। मॉर्निंग रूटीन में जब आप जल्दी उठ गए हैं तो स्टार्ट योर डे विथ द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है मेंटल पीस के लिए। तो अगर आप सुबह उठ रहे हैं, आपका पिछला दिन कितना भी रफ गया हो, कितना भी टफ गया हो, लेकिन अगर हम सुबह उठ रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम अलाइव हैं, तो हमें उस चीज को के लिए बहुत थैंकफुल होना जरूरी है। सो स्टार्ट योर डे विद अ स्माइल एंड ग्रैटिट्यूड। नेक्स्ट मॉर्निंग रूटीन में नेवर स्टार्ट योर डे फ्रॉम टी और कॉफी। कोई भी स्टिमुलेंट सुबह आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आपको अपने दिन की शुरुआत वार्म वाटर से करनी है या फिर आप रूम टेम्परेचर वाटर भी ले सकते हैं, डिपेंड की वेदर कैसा है। बट इट इज बेटर कि अगर आप वार्म वाटर लें, आप प्लेन वाटर पी सकते हैं, आप उसमें लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं या जैसे भी आपको पसंद हो। वार्म वाटर से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और टॉक्सिन्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। जब आप फ्रेशन अप हो जाते हैं तो मॉर्निंग में मोस्ट एसेंशियल थिंग ये है कि आपको थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। अब फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आप घर में भी जो आपको पसंद हो वो एक्टिविटी कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं, आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अगर आपके घर के पास गार्डन हो तो आप वॉक पे भी जा सकते हैं। क्योंकि मेन चीज ये है कि मॉर्निंग के अंदर आपको अपनी बॉडी को एक्टिवेट करना है, आपको अपनी बॉडी को एनर्जेटिक करना है, जिसके लिए एक्सरसाइज इज द बेस्ट मेथड। आप एक्सरसाइज कोई भी करें लेकिन डीप ब्रीदिंग एंड प्राणायाम्स मस्ट पार्ट ऑफ योर मॉर्निंग रूटीन। और स्पेशली आज के दिनों में तो बहुत जरूरी है कि हमारी लंग्स स्ट्रांग हो और हमारा पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, जिसके लिए प्राणायाम्स एंड डीप ब्रीदिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको योगा या बाकी एक्सरसाइज के बारे में नहीं पता तो आजकल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रॉपर टेक्निक को सीख सकते हैं। अब एक्सरसाइज हो गई है, हमने आपका वार्म वाटर हो चुका है, ग्रेटिट्यूड हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब मॉर्निंग रूटीन में नेक्स्ट है वो है सेटिंग ऑफ इंटेंशंस। ये काम मैं पहले नहीं करती थी लेकिन अब मैंने कुछ देर से सेटिंग ऑफ इंटेंशंस शुरू किया है। इंटेंशंस जब आप सेट करते हैं इसका मतलब ये है, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुडे। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर आप कोई भी आपका अपना बिजनेस है या कुछ भी काम आप कर रहे हैं, अगर आप मॉर्निंग में ये सोच लें कि दिन में आपका वक्त कैसे बीतना है, आपको क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, तो आपका डे जो है वो पहले से ही प्लान हो जाता है। जैसे जब मेरा बहुत हेक्टिक वर्क शेड्यूल रहता है तो मैं हमेशा मॉर्निंग में इंटेंशन सेट करती हूँ कि मैं अपना काम है बहुत अच्छे से मैनेज कर पाऊंगी, आज मैं बिल्कुल काम होके काम करूंगी, पीसफुल होके काम करूंगी, स्माइल से काम करूंगी, जॉयफुली काम करूंगी। एंड ट्रस्ट मी 99% व्हाटएवर इंटेंशंस आई सेट फॉर द डे आई रियली स्टिक टू देम, क्योंकि ऑल इज लाइंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट इंटेंशंस फॉर द डे इन द अर्ली मॉर्निंग। आप चाहे उन इंटेंशंस को सोच सकते हैं, दोहरा सकते हैं या लिख सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं मॉर्निंग इंटेंशंस को लिखती हूं अपनी ग्रेटिट्यूड डायरी में। जब आपने इंटेंशन सेट कर ली है, आपका वर्कआउट भी हो गया है, वर्कआउट के बाद डेफिनेटली पोस्ट वर्कआउट आप सोक जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो खा सकते हैं या कोई फ्रूट खा सकते हैं। और उसके बाद जब आप नहा लिए, तैयार हो गए, फिर आता है ब्रेकफास्ट टाइम। ऑलवेज 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 रिमेम्बर कि मॉर्निंग में कभी भी आपको अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। ब्रेकफास्ट का मतलब ही यही है, यू आर ब्रेकिंग दिस लॉन्ग फास्ट। तो इस वजह से आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी हो, होममेड हो और बहुत ही न्यूट्रिशियस हो। डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस यू कैन गो फॉर एनीथिंग। आप ओट्स खा सकते हैं, आप सिंपल प्लांटी खा सकते हैं, वट एवर यू फील लाइक। सो मॉर्निंग में ये कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो 101% आपको अपने में बहुत चेंज लगेगा, आपके अपने एटीट्यूड में बहुत चेंज लगेगा। सो डेफिनेटली आप मॉर्निंग रूटीन को शुरू कीजिए और आपको जो अच्छा लगता है मॉर्निंग में अपने लिए टाइम निकालिए। एंड आई रियली बिलीव कि इन सब चीजों से जो ये स्ट्रेसफुल माहौल है, जो स्ट्रेसफुल वर्क है,
उसमें बहुत फर्क पड़ेगा. सो माय बेस्ट विशेस आर विद यू. फॉलो अ गुड हेल्दी मॉर्निंग रूटीन. स्टे हैप्पी, हेल्दी, एट ईज एंड पीस. बाय.